अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में स्पाइस मॉडल। अभी हम मैंगो, महोगनी, ब्लैक पेपर, बैम्बू इस प्लॉट पर हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक पेपर का प्लांटेशन किया गया है, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये मैंगो और महोगनी है जिसके ऊपर ब्लैक पेपर का प्लांटेशन किया गया है। बीच में तूर, जवारी, बाजरा, मक्का ये लगाया गया है, ये यहाँ से क्लियर आपको दिखेगा। और ब्लैक पेपर लगाने के लिए उसको शेड की ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये कैस्टर जिसे हम एरंडी कहते हैं, एरंडी लगाई गई है ताकि ये उसको छांव दे, एक साल तक के उसे छांव धूप से, डायरेक्ट स्कॉर्चिंग हीट सन से, सूरज से उसे एक साल तक बचाना है। उसके बाद वो एक्लेमेटाइज हो जाएगा अपने आप वेदर के साथ, और उसको शेड भी मिल जाएगा। और इसीलिए ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एरंडी लगाई गई है। ट्रायल बेसिस पे हमने 2 महीने पहले एरंडी प्लांट किया था, और अभी इसके अंदर ये ब्लैक पेपर का प्लांटेशन किया है, काली मिरी का। और इसे ये गनी बैग, जूट बैग जो है, बारदान की गोनी से इसको कवर किया है ताकि इसे डायरेक्ट सूरज की रोशनी इसे ना लगे। इस तरह से एरंडी लगाई गई है, इस तरह से ये क्रॉस लकड़ियां लगाई गई है जिसके ऊपर ये एरंडी की बेल जो है उसके ऊपर चढ़ेगी, और फिर ये महोगनी की झाड़ पर ये क्लाइंब करेगी, और ये एरंडी जो है उसको छांव देगी, ठंडक देगी। और आप देख सकते हैं कि प्लांट के नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड में ब्लैक पेपर लगाया गया है, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में, क्योंकि ईस्ट साइड से जब सूरज निकलेगा साउथ पे आएगा, फिर वेस्ट में जाएगा, तो उसको साउथ और वेस्ट के सूरज से उसको तपिश से बचेगा वो, इसलिए नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में ब्लैक पेपर का प्लांटेशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं ब्लैक पेपर इस तरह से, और ये तूर, मूंग, बाजरा, मक्का, डेंचा ये बीच की लाइन में लगाया गया है ताकि ये मशीन से कटेगा, और ऑटो तूर के, ब्लैक पेपर के, मूंग के, लेमन के लाइन में ऑटो गिरेगा और वो मल्चिंग का काम करेगा। अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म स्पाइस मॉडल अलोंग विथ फ्रूट, फल फ्रूट के साथ में, लेमन के साथ में काली मिरी, तेज पत्ता। आप देख सकते हैं यहाँ तेज पत्ती की लागवड की गई है, ये तेज पत्ता है, आपने देखा ये महोगनी है, महोगनी पे काली मिरी है, और ये साथ में एडिशनल प्लान बी जिसे कहते हैं, ये हेटी लगाई गई है, हेटी ये प्लान बी है कि अगर सपोजिंगली महोगनी जो ग्रोथ चाहिए शेड के लिए, अगर वो 6 महीने में उसकी ग्रोथ नहीं आई, तो ये जो हेटी लगाई है दिस इज प्लान बी, कि महोगनी की ग्रोथ नहीं तो हेटी की ग्रोथ होगी, तो ब्लैक पेपर को प्रोटेक्शन देगा, और ब्लैक पेपर का क्रीपर जो है वो महोगनी के ऊपर चढ़ेगा। अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म स्पाइस मॉडल अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर MN वेणुगोपाल।